वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन. ओके, बट बच्चा इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज डाइजेशन. ठीक है, जिसके लिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए. ठीक है, वो प्रोसेस क्या है. ठीक है, तो बच्चा डाइजेशन क्या है. एक्चुअली जो भी हम खाते पीते हैं ना, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस होते हैं. ठीक है, तो हमारी बॉडी उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करती है ताकि हम उसको बहुत आसानी से पचा सकें. ठीक है, इस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं. क्लियर है. सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इंटू सिंपल अब्सॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन. क्लियर है बेटा. अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है. ठीक है बच्चा, नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इसके अंदर एक्चुअली अगर मैं नॉर्मली डील करूं तो दिस इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन. ठीक है, विच इज एसोसिएटेड विथ सम ग्लैंड्स. क्लियर, और वो जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन है ना, वो जुड़ते जुड़ते एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं. क्लियर है, तो मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, विच इज ऑफ 9 meters in length. ठीक है, एंड सेकेंड इट हैज सम एसोसिएटेड ग्लैंड्स. ठीक है, जैसे कि सैलाइवरी ग्लैंड्स. ठीक है, जो कि हमारे मुंह के अंदर होती हैं. कौन कौन सी होती है बच्चा. फर्स्ट वन इज पैरोटिड ग्लैंड. ठीक है, सेकेंड वन इज सब मैंडिबुलर ग्लैंड. आपको सिर्फ इनके नाम पता होने चाहिए, नथिंग एल्स. ठीक है, एंड थर्ड वन इज सब लिंगुअल ग्लैंड. ठीक है, इसके अलावा बच्चा कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं. ठीक है, जैसे कि कार्डियक ग्लैंड, फंडस ग्लैंड या फंडिक ग्लैंड एंड पाइलोरिक ग्लैंड. क्लियर है, एंड एट लास्ट पैनक्रियाज एंड लीवर. याद रखिए लीवर भी ग्लैंड है. क्लियर है बच्चा. ठीक है, अब बच्चा इनमें अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, जैसे कि हमने बात की है अभी कि दिस इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन. ठीक है, तो बच्चा हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं. डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हम इसको ना एक फ्लो चार्ट में उतार लेते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में बेसिकली आने कौन कौन वाला है. ठीक है, तो फर्स्ट वन बच्चा शुरुआत कहाँ से करेंगे, ऑब्वियस है, फ्रॉम माउथ. ठीक है, माउथ के बाद बच्चा क्या आएगा, डेट इज बक्कल कैविटी. ये वो जगह है बच्चा जहाँ पे हम जैसे हमारी जो खाने की बाइट है वहाँ रखते हैं. ठीक है, मुंह के अंदर, वो जो मुंह के अंदर वाली जगह है ना, उसको बक्कल कैविटी बोलते हैं. ठीक है, आफ्टर डैट बच्चा देयर इज अ, आप कह सकते हो फेरिंग्स. फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है फॉर एयर एंड फूड. क्लियर, एंड उसके बाद आएगी फूड पाइप जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस. क्लियर, दिस इज व्हाट एक्चुअली फूड पाइप. ठीक है, और जस्ट आफ्टर फूड पाइप देयर इज स्टमक. ठीक है, हमारा पेट. और स्टमक के भी बच्चा फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज कार्डिया, देन फंडस, देन पाइलोरिक. याद कीजिए पीछे अभी इन्हीं के नाम से ग्लैंड्स लिखी थी हमने, ये रही कार्डिया, फंडस एंड पाइलोरिक. क्लियर है. ठीक है, और इसके बाद आएगी बच्चा स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज ड्यूडेनम, जो कि एक सी शेप स्ट्रक्चर है. ठीक है, देन जेजुनम, एंड लास्ट वाली क्या है, इलियम. क्लियर, आफ्टर दैट लार्ज इंटेस्टाइन,
ठीक है, ये भी फर्दर तीन हिस्सों में ही डिवाइडेड है, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। एंड एट लास्ट देयर इज अ पार्ट जहाँ से इजेशन होती है, मतलब वेस्ट फूड मटेरियल बाहर आ जाता है, डेट इज बच्चा एनस। क्लियर? दिस इज जस्ट आप कह सकते हो फ्लो चार्ट ऑफ आर डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर? कि किसके बाद कौन सा वाला पार्ट आने वाला है। क्लियर? नाउ लेट्स सी द डायग्राम। ठीक है, अब इसको डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा? माउथ से। ठीक है, तो ऑब्वियस है बच्चा, जस्ट इमेजिन कि ये है माउथ। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा क्या हुआ फिर, जो माउथ के अंदर वाला होगा सेकंड पार्ट, डेट इज बक्कल कैविटी। ठीक है, और ये जो है फर्दर एक कॉमन पैसेज से होते हुए एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर से नीचे जाएगा। ठीक है, और ये कॉमन पैसेज कौन है? फेरिंग्स। ठीक है, देन फूड पाइप, जो कि कौन है बच्चा? ईसोफेगस। ठीक है, आफ्टर फूड पाइप, ठीक है, देर इज अ सैक लाइक, थैली लाइक एक स्ट्रक्चर होगी, जो कि क्या है? हमारा स्टमक। क्लियर है बेटा? ठीक है, और ये फर्दर जैसे कि हमने बात की कि उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी, एक सी शेप स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगी, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होगा, जो कि ड्यूडेनम है। ठीक है, स्टमक के जस्ट ऑपोजिट बच्चा क्या आपको दिखेगा? लिवर। ठीक है, यहाँ साथ के साथ ही आपको एक और सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी, जो कि क्या है? गॉल ब्लैडर। क्लियर है? ठीक है, और यहाँ एक और स्ट्रक्चर आपको दिखेगी, जो कि क्या है? पैनक्रियास। ठीक है, अब जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये फर्दर जो है एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसको बनाने से पहले इसकी आउटलाइन दिखा देती हूँ। ठीक है, जो कि एक्चुअली इसकी आउटलाइन नहीं है, एक्चुअल में वो क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी घिरी हुई दिखती है। क्लियर है? और बीच में क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ऐसे कॉइल करके, अच्छा मैंने थोड़ी सी सिंपल कॉइलिंग की है ताकि आपको ड्रॉ करने में कुछ खास मुश्किल ना आए। ठीक है, और ये ऐसे करके लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ऊपर मैंने इसके तीनों हिस्सों के नाम बोले हुए हैं। क्लियर? एंड दिस वन इज लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये पार्ट क्या है बच्चा? रेक्टम। और बिल्कुल लास्ट वाला जहाँ से इजेशन होगी, जो मतलब अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट मटेरियल, वो बाहर आएगा, उसको क्या बोलेंगे? एनस। लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो बिल्कुल पॉइंटेड वाला पार्ट है, जिधर से ये शुरू हुई थी, उसको हम क्या बोलेंगे? सीकम। क्लियर है? ठीक है, और बेसिकली बच्चा ये जो बीच वाला हिस्सा है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का, ये एक्चुअली कॉलन है। ठीक है, अब जब खाना ऊपर को जा रहा होता है यहाँ से, ठीक है, तो आप इसको असेंडिंग कोलन बोलोगे, जब इधर ऐसे मूव कर रहा होता है आप ट्रांसवर्स कोलन बोलोगे, और जब इधर को मूव कर रहा होता है तो आप क्या बोलोगे? दैट इज डिसेंडिंग कोलन। क्लियर है? तो दिस इज वेरी सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एक चीज और जान लीजिए, ठीक है, कि जो स्टमक है, ठीक है, और जो ऊपर वाला बॉडी का पार्ट है, ठीक है, उसको सेपरेट करता है एक मस्कुलर सा स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? डायफ्राम। क्लियर? आप चाहे तो ड्रॉ करें, अगर नहीं ड्रॉ करना है तो इट्स ऑलराइट। क्लियर? दिस इज वेरी सिंपल स्ट्रक्चर और वेरी सिंपल सिस्टम। ठीक है, डैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डन? ओके।